देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रेजोनेंस दो के बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। तो हम इसी तरह का रेजोनेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है। तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो सकता है, हाँ। तो ये वाला अपने आप डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और एक क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच, यस और नो? दूसरा, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आ सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये तो हमारे हो गए रेजोनेंस के क्लासिफिकेशंस। अच्छा, कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन दूसरे के साथ, दूसरा कौन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो हो ही चुका है, इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा, कार्बोकेटायन किसके साथ होगा, हम बोल सकते हैं डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों की तरह काम करेगा। एक और हम बोल सकते हैं कार्बोकेटायन सामने कौन होगा, ये तो डबल बॉन्ड हो गया, सामने कौन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच कौन होता है, जिसके पास भी लोन पेयर हो, और लोन पेयर किसके पास होंगे, डबल बॉन्ड, कार्बोकेटायन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, या फिर नाइट्रोजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, एफ माइनस, इन सबके पास लोन पेयर, और देने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है, पक्का। सबसे ज्यादा देने की टेंडेंसी एनायन की होती है, तो सबसे ज्यादा देने की टेंडेंसी किसकी होगी, एन माइनस, क्योंकि एनायन भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। फिर एन माइनस के बाद ओ माइनस, ओ माइनस के बाद एफ माइनस, एफ माइनस के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के फाइव टाइप्स, सिक्स। अब बात करते हैं हम किसके लिए, एनायन के लिए। एनायन के लिए अगर हम बात करें तो कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, कार्बो एनायन के लिए किसका डेफिशिएंट होगा, सामने कौन होगा कार्बो एनायन के साथ, कार्बो एनायन के साथ होगा एक डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड तो दोनों का काम करता है। इज दैट क्लियर? कार्बो एनायन इलेक्ट्रॉन रिच होगा, बिल्कुल, बस हमें अलग लिखना है, हमें ब्लॉक अलग लिखना है, कार्बो एनायन यहां लिखना है और डबल बॉन्ड अब हमें यहां लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कार्बो एनायन यहां हो गया हमारे लिए, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये हमारे लिए हो जाएगा एक, और डबल बॉन्ड तो लिख चुके, हमारे पास डी ऑर्बिटल कंटेनिंग, यानी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल लिख दो, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल किस में होगा, सल्फर में, क्लोरीन में, इन्हीं में होगा, एम्प्टी, और फास्फोरस में, क्योंकि हम चाहते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी, और वो थर्ड हो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स में इतना ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हमारे पास कुछ हो गए। अब आगे क्या हम बोरोन को भी ले सकते हैं? हाँ, बोरोन अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो बोरोन, बोरोन और सामने कौन होगा इलेक्ट्रॉन रिच के लिए, या तो कोई एनायन होगा या फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो बोरोन डबल बॉन्ड, या फिर कौन हो जाएगा, एनायन, यानी ये भी अपने आप में दो तरह के हो गए। बोरोन के अलावा मैं किसको लेना चाह रहा हूं, नाइट्रोजन को, सिंपल नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन एटम के साथ, या नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये यहां लिखना गलत होगा, इन्हें कहां लिखना पड़ेगा अपन को, यहां, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जिनके पास भी लोन पेयर है, या आप मान सकते हो एन माइनस, ओ माइनस, एफ माइनस, ये सब हमारे लिए क्या है,
इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, तो सामने कौन होना चाहिए फिर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है बोरोन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बोकेटायन। ये सब हमारे लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कार्बोकेटायन, बोरोन डबल बॉन्ड, ये सब भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ देंगे। अब लास्ट बचा है टेन, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी अपने आप में क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो फ्री रेडिकल कल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो फ्री रेडिकल किसके साथ देगा? इलेक्ट्रॉन रिच के साथ। और इलेक्ट्रॉन रिच आप कौन ले सकते हो? यहां पर अब यहां ले सकते हो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये हमने कुछ 10 तरह के रेजोनेंस इफेक्ट देख लिए जो आपको अच्छे से आने चाहिए। लिखिए इनको, कौन रेजोनेंस नहीं देंगे वो भी लिख लेते हैं। ये तो रेजोनेंस देंगे, श्योर रेजोनेंस, लेकिन कौन रेजोनेंस नहीं देंगे? या तो दोनों डेफिशिएंट हो या फिर दोनों रिच हो। तो अगला पॉइंट हमारा ये रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो रेजोनेंस वाली पॉइंट्स में रहेगा, यानी पेयर विच डज नॉट शो रेजोनेंस। तो हमारे लिए नॉट श्योर रेजोनेंस हो गया, नॉट श्योर रेजोनेंस। पहला, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच के बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाए, यानी फर्स्ट तो हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच। फॉर एग्जांपल आपने बहुत अच्छे से करा, ये डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच दोनों हो सकता है, क्या ये रेजोनेंस होगा? हाँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट है। ये हमारे पास दिमाग में आना चाहिए कि यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सेकंड पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों ही डेफिशिएंट है, दोनों ही क्या है? डेफिशिएंट है, तो दोनों ही रेजोनेंस नहीं देंगे। थर्ड, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच है, मना कर देंगे, ये भी नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? फोर्थ, ये हमारे पास कार्बन पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल तेरे पास भी है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल मेरे पास भी है, क्या ये डेफिशिएंट है? दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। हाँ, इसके पास भी खाली ऑर्बिटल है, तेरे इसके पास भी खाली ऑर्बिटल है, कुछ तो भरा हो। तो क्या ये रेजोनेंस शो करेंगे? नहीं, ये रेजोनेंस नहीं शो करेंगे। आ रही है बात समझ में? नहीं करेंगे, मना कर देंगे। फिफ्थ, अगर यहां पर फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, और यहां पर खाली ऑर्बिटल है या एनायन है, ये एनायन है, तो भी रेजोनेंस नहीं है। क्यों? आप कहेंगे ये तो डेफिशिएंट है और एक इलेक्ट्रॉन रिच है। भाई पाउली रूल तो नहीं टूट सकता ना, दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो नहीं जा सकते, बोलो जा सकते हैं क्या? नहीं ना,
दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एक ऑर्बिटल में हो नहीं सकते रेजोनेंस की वजह से, तो इस कारण ये रेजोनेंस भी नहीं हो सकता. पाउली रूल्स नॉट बी ब्रेक इन दिस केस. पाउली रूल तो ये भी नहीं हो सकता, जबकि यहां पर तो डेफिशिएंट है और रिच भी है. आ रही है बात समझ में? तो ये रेजोनेंस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं जो मैं आपको बना रहा हूं. सामने ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपने ये चीज समझ ली कि यहां अगर एनायन होता तो हो जाता, कैटायन है नहीं होगा. समझ में आ रहा है? अच्छा, ये है सी माइनस और ये है ऑक्सीजन. इसके पास भी लोन पेयर है और आप समझ चुके हैं इसके पास भी लोन पेयर है. क्या ये रेजोनेंस होगा? नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है. पक्का? इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, और दोनों के पास लोन पेयर होगा, ये भी रेजोनेंस नहीं होगा. इज दैट क्लियर? सेवेंथ, यहां मेरे पास बोरोन है और यहां मेरे पास कार्बन प्लस है. बोरोन के ऊपर भी खाली ऑर्बिटल, इसके ऊपर भी खाली ऑर्बिटल. क्या ये रेजोनेंस देखने को मिलेगा? नहीं, ये भी रेजोनेंस नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. इज दैट क्लियर? तो क्या यहां रेजोनेंस देखने को मिलेगा? नहीं. देखिए, ये हमारे पास इस तरह का है, एट नंबर. यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यस और नो? दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. यस, क्लियर है? और इन्होंने बॉन्ड बना लिया. क्या यहां रेजोनेंस देखने को मिलेगा? यस और नो में आंसर दो. नहीं, दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. लेकिन ये प्रोसेस पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में ये बोला जाता है पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? दोनों मिल बराबर होने चाहिए. यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? दो. और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जीरो. तो ये प्रोसेस पॉसिबल है, बट इस इफेक्ट को हम रेजोनेंस नहीं बोलेंगे. इज दैट क्लियर? ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन है. तो यहाँ पर हम अबव प्रोसेस इज पॉसिबल बट नॉट कॉल्ड रेजोनेंस, बिकॉज इन रेजोनेंस टोटल पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम. बस हम इसको कोई भी और इफेक्ट देंगे लेकिन रेजोनेंस नाम नहीं देंगे. हम इसको नॉर्मल बोल देंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस. तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस. तो आपको समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? हटा दिया जाइए, लिख लो इसको.